हिमाचल की बात लेकर हम नाहन विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ है कांग्रेस के उम्मीदवार अजय सोलंकी। अजय जी, राजीव बिंदल कह रहे हैं, जो यहाँ से विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि विकास जो है कांग्रेस के हाथ में था पिछले 5 साल में, क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन नाहन का विकास नहीं हो पाया। उनकी सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, तो वो विकास करेंगे यहाँ का। देखिए, वो शायद अपना चश्मा बदलना भूल गए। नाहन में पिछले 5 वर्षों में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। बहुत बड़े बड़े संस्थान नाहन को मिले हैं, जिसका मैं अभी दिन में आपके टीवी पे देख रहा था, जो उनका बाइट था चला हुआ, जिसका वो श्रेय ले रहे हैं। एक तरफ तो वो विकास कार्यों का श्रेय ले रहे हैं और दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि पिछले 5 वर्षों में विकास नहीं हुआ। तो ये वो अपनी बात को ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहली बात, नाहन में मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधा, सबसे बड़ी सुविधा जो है, मैं बोला ये सुविधा के रूप में हमें मिला है, जो आम लोगों, जो ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है हमारे, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेडिकल सुविधाओं के लिए दूर दूर भटकते थे। कई लोगों के पास पैसा नहीं होता था चंडीगढ़ जाने का, तो वो वापस नाहन से हो जाते। तो आज एक सुविधा के रूप में मेडिकल कॉलेज संस्थान मिला, और ये कांग्रेस पार्टी और UPA सरकार, गुलाम नबी आज़ाद जी ने 3 मेडिकल कॉलेज हमें दिए थे, और उसमें से एक कॉलेज राजा वीरभद्र सिंह जी ने नाहन दिया, वो भी जिला कांग्रेस कमेटी ने की मांग पर दिया। मेरा सपना था, मैं जब जिला अध्यक्ष बना था, मेरा एक पहला सपना था कि मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज की जैसी सुविधा जो है नाहन के जिला सिरमौर के लोगों को मिली, और ये हमें बहुत आसानी से राजा वीरभद्र सिंह जी ने दे दिया, और विद बजट 190 करोड़ का बजट भी जो केंद्र सरकार ने उस समय दे दिया। आज ये उसका श्रेय, झूठा श्रेय ले रहे। उसके बाद IIM जैसा संस्थान, IIM संस्थान हमें मिला, और वो हिमाचल को मिला था, वीरभद्र सिंह जी ने वो हमारे नाहन निर्वाचन क्षेत्र में दिया। IIM जो संस्थान है, ठीक है, वो सुविधा के रूप में तो नहीं मिला, लेकिन इतना बड़ा संस्थान है, वो विश्व के मानचित्र में हमारे क्षेत्र का नाम आया है, और एक जो उस झोलकुआ का क्षेत्र है, आने वाले समय में किस तरह से विकसित होगा आप अच्छी तरह जानते हैं। IIM जहाँ पर हैं वो किस तरह से विकसित होता है। इसके अलावा जो नाहन निर्वाचन क्षेत्र में इस समय 14 पुलों का निर्माण कार्य गति पर है, जिसका भी ये श्रेय ले रहे हैं। राजीव बिंदल जी कहते हैं कि मेरे संघर्ष से ये बना है। जब आप मंत्री थे तब आपका संघर्ष कहाँ गया, जब हमारी सरकार बनी तब आपका संघर्ष कहाँ आ गया। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारी और सभी वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, की मांग पर वीरभद्र सिंह जी ने ये 14 पुल स्वीकृत किए, DPR बना के मंजूर भी कराई, फंडिंग भी आई, टेंडर हुआ, और आज जो है विकास पुलों का निर्माण कार्य गति पर है, कुछ पुल तैयार हो गए हैं। और इसके विपरीत मैं बता रहा हूँ, विकास कार्यों में बाधा बना उत्पन्न करने का काम जो है राजीव बिंदल जी ने अवश्य किया है। बनकला वाला पुल तैयार, आज वो उसका उद्घाटन भी हो जाता, झूठी कंप्लेंट ठेकेदार की कर दी कि इसका क्वालिटी ठीक नहीं है, जबकि वो उसकी क्वालिटी चेक करवाई गई और क्वालिटी में पाया गया कि बहुत अच्छी क्वालिटी का काम हुआ है। इसके अलावा जो कौंथरी खड्ड पे, जो धौलाकुआं टू गिरीनगर रोड है, उस पर एक पुल बन रहा है, उस पर इन्होंने, वहाँ पर एक व्यक्ति था, स्थानीय निवासी था, उसको थोड़ा सा पंप देकर कि आप इसकी डिमार्केशन कराइए कि आपकी ज़मीन में आ रहा है। कारण क्या था, केवल जो है विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न करना। तो राजीव बिंदल जी ने तो केवल लोगों को गुमराह किया है, भाषण दिया है। हाँ, कांग्रेस पार्टी के विकास कार्य जहाँ जहाँ हुए उसी चीज़ का बखान करने पहुँच गए। जी, 3 बड़े ऐसे काम अगर नाहन की जनता आपको चुने तो क्यों चुने? देखिए, नाहन में जो हमारा सपना है, जो नाहन शहर है, बहुत खूबसूरत शहर है, और नाहन चुनाव क्षेत्र इतनी अच्छी तरह अच्छी जगह पर स्थापित है, जो पूरा चुनाव, अब तो ये चुनाव क्षेत्र हमारा मिस्र वाला पंचायत तक चले गया और धाटीदार क्षेत्र भी है। मेरा मानना है जो नाहन के सराउंडिंग का एरिया है जी, इसमें हमें जो है नाहन शहर जो है, कोई भी शहर जो है अपने सराउंडिंग एरिया जो होता है उसके ऊपर निर्भर करता है, और सराउंडिंग एरिया में जो है सिंचाई व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए। लोगों के पास ज़मीनें हैं, बहुत अच्छी ज़मीन है, उपजाऊ ज़मीन है, लेकिन लोगों को, बहुत से लोगों को जो है भगवान पे निर्भर रहना पड़ता है, बरसात के ऊपर निर्भर है। मेरी प्राथमिकता में ये रहेगा कि जो पूरे क्षेत्र है जो हमारा, उसको सिंचाई सुविधा से जोड़ा जाए, और ताकि वही जो लोग, आर्थिक संपन्नता जब उन क्षेत्रों में आएगी, लोगों में आएगी, वही पैसा जो है मार्केट में आएगा और
जो हमारा नाहन शहर का भी उसी से विकसित होगा। सबसे बड़ी बात, एक नाहन शहर में जो पानी की समस्या है, पिछले 2012 में लगभग अगस्त या सितंबर में इन्होंने, धूमल साहब ने यहाँ पर एक फाउंडेशन स्टोन रखा और उसमें केबल फाउंडेशन स्टोन रखा, और उन्होंने उस टाइम ऐलान किया यहाँ भाजपा के नेताओं ने, राजीव बिंदल जी ने, कि 6 महीने में नाहन में पानी पानी कर दिया जाएगा, और उसमें 1 रुपये का फंड नहीं दिया गया। 2 लाख का फंड दिया गया, जो कार्यक्रम प्रेम कुमार धूमल जी का हुआ उस केवल उस कार्यक्रम का खर्चा हुआ उसमें, उसके अलावा कुछ नहीं था उसमें। हमारी सरकार आई वीरभद्र सिंह जी के आदेशों से, ये नई DPR तैयार गई, रिवाइज DPR तैयार की गई, 75 करोड़ की DPS सेंक्शन की गई, अप्रूव की गई, फंडिंग की गई, टेंडर किया गया, और टेंडर भी इतनी गति से कार्य हुआ, वहाँ बोरवेल करवाए गए, 7 बोरवेल वहाँ उसी समय हो गए थे। बड़ी विडम्बना है, एक तरफ राजीव बिंदल जी विकास विकास का ढिंडोरा पीट रहे, टेंडर होने के बाद जो उस पंचायत से, बिरला पंचायत से और साथ वाली पंचायतों से जहाँ से, उन्होंने 1.5 साल मटेरियल जो है, सभी मटेरियल मौके पे पड़ा रहा, लगभग 1.5 साल तक जो है वहाँ पर काम शुरू नहीं होने दिया। उनके जो वहाँ मंडल अध्यक्ष थे भाजपा के, वो पंचायत के प्रधान हैं, उन्होंने जो वहाँ से पंचायत से NOC नहीं दी गई, उसमें वहाँ से लाइन नहीं बिछवाने दी, क्या कारण था कि जितना रेणुका डैम के विस्थापितों को मुआवजा मिला है उतना मुआवजा हमें दिया जाए, जबकि वो संभव नहीं है। केवल डिले प्रैक्टिस थी, बाकी कुछ नहीं था, और 1.5 साल के बाद वो बिना NOC के, बिना उसके काम भी शुरू होने दिया, जबकि उस पंचायत को अलग से पानी की पीने की स्कीम दी गई विभाग द्वारा, सब कुछ दिया गया, फॉरेस्ट की क्लियरेंस बड़ी स्पीडली हुई है, विभाग ने बहुत गति से काम किया, और वो पोर्शन छोड़ के इसके अलावा पूरा जो है पाइपलाइन बिछ गई है, राइजिंग मेन का काम पूरा हो चुका है, और मार्च 2018 तक जो है नाहन में पानी की सुविधा पहुंच जाएगी नई स्कीम की। इसके अलावा नाहन जो वाटर सप्लाई एग्जिस्टिंग स्कीम है, खैरी वाली और नर्सबार वाली, इनके ऑगुमेंटेशन के लिए 8 करोड़ और 6 करोड़ पैसा राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने दिया, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने दिया, और वो कार्य पूर्ण हो चुका है। आज वो 4 से 4.5 लाख लीटर पानी प्रतिदिन जो है वो यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा आना मिलना शुरू हो चुका है, और नाहन में जो है पानी की जो समस्या थी उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ लोगों को मिला है। और मेरा ये मानना है कि मार्च 2018 के बाद लगभग पूरी तरह से जो है पानी की समस्या का हल कर दिया जाएगा। एक बड़ी बात जो भारतीय जनता पार्टी देश में और हिमाचल में कह रही है, जो हिमाचल के चुनाव को अगर देखा जाए कि एक तरफ तो नरेंद्र मोदी का चेहरा है, ईमानदार चेहरा है, कोई भ्रष्टाचार पिछले 3 साल में नहीं हुआ, और एक चेहरा वीरभद्र का है जो कि भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जिन पर भ्रष्टाचार एक तरह से ये कहा जा रहा है कि बेल पर सरकार जो है, बेल पर पूरा परिवार, बेल पर मुख्यमंत्री। देखिए भाजपा इन आरोपों में, आरोप लगाने में बड़ी माहिर है, लेकिन प्रमाणित कुछ नहीं हो रहा। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी बड़े ईमानदार, मैं नहीं कह रहा, BJP बोल रही है। भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पर केंद्र सरकार में है। आज देखिए भाजपा शासित मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री हो चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, और खुद स्वयं जो है केंद्र सरकार में जितने मंत्री हैं बहुत भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। आज उनके ऊपर कुछ नहीं, राजा वीरभद्र सिंह जी जैसा ईमानदार छवि का नेता जो पिछले 55 वर्ष से इस प्रदेश की सेवा कर रहा है और पूरे देश में जिसकी एक ईमानदार छवि है, आज उनको बदनाम करने की साजिश रची जाए। कितनी एजेंसीज ऐसी हैं जो पूरी तरह से राजा वीरभद्र सिंह जी के पीछे लगाई गई, लेकिन अभी तक कुछ प्रमाणित नहीं कर पा रहे। आज केंद्र सरकार है, भ्रष्टाचार तो उन्होंने बोला 100 दिन में ख़त्म कर देंगे, क्यों नहीं किया जा रहा है? वो तो आरोप लगा रहे थे कि वाड्रा जी को भी अंदर किया जाएगा, प्रियंका गांधी को भी अंदर किया जाएगा। आज तो हरियाणा में भी उनकी सरकार है, केंद्र में भी सरकार, क्यों नहीं अंदर कर रहे? अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं वो अंदर क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं प्रमाणित कर पा रहे? क्या उन्हें अपनी एजेंसीज पे विश्वास नहीं है, या उनके अंडर जो एजेंसीज काम नहीं कर पा रही है? पिछले दिनों यहाँ गुड़िया वाला कांड जो उठाया गया, कितना शोर पूरे प्रदेश में मचाया गया, लोगों में आगजनी की, लोगों को भड़काने का काम जो भाजपा ने किया, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने तुरंत ही जो है CBI को जांच के आदेश दे दिए थे, उसके बावजूद CBI तो केंद्र सरकार की एजेंसी, आज तक क्यों वो बाहर नहीं निकाल पाई? वो आप कह रहे हैं जो
मुख्यमंत्री पर उनके परिवार पर जो आरोप लगे सियासत महज सियासी है, कोई उसमें तथ्यों में दम नहीं है। तथ्यों में कोई दम नहीं है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। कानून जो है अपना काम कर रहा है और कानून पर सबका विश्वास है न्यायालय पे। अगर ये कहा जाए कि नाहन में प्रचार को लेकर स्टार प्रचारक कौन बड़े नेता जो है नाहन आपके लिए यहाँ पर मैदान में होंगे? देखिए सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं प्रदेश के। हम कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे सोनिया गांधी राहुल गांधी जी भी यहाँ आएँ और ऐसा लग रहा है कि वो आ रहे हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ नाहन आएंगे? हाँ दोनों में से एक आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाहन विधानसभा क्षेत्र में आएंगे, तो आपको लगता है कि उनके आने से कुछ असर होगा यहाँ पर, आपको नुकसान होगा? नरेंद्र मोदी जी का तो जो तिलिस्म था वो तो टूटता जा रहा है। केंद्र सरकार की नीतियों से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप बाजार में चक्कर मारिए, बाजार में आप जाके आइए दुकानों पर। क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए सबसे बड़ा कारण शुरुआत जो जहाँ से हुई है, 8 नवंबर 2016 को जो तानाशाही फरमान जारी किया गया उससे जो है नोटबंदी कर जब का ऐलान किया गया, गरीब लोगों ने ये सोचा कि भाई बहुत अच्छा फरमान जारी किया गया। लेकिन जो उसके इफेक्ट्स सामने आए, कारण क्या हुआ, हमारे क्षेत्र की जो उद्योग थे लगभग 37-38 उद्योग तो हमारे कालाम क्षेत्र के बंद हुए। इसके अलावा मैं अपना प्रैक्टिकली बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, छोटी सी बात है। नोटबंदी में इन्होंने ये बोल दिया कि सभी भ्रष्टाचारी हैं, 4-5% भ्रष्टाचारियों के लिए उन्होंने 125 करोड़ को लाइन में लगा दिया और कोई भी अमीर आदमी या कोई भी कर्मचारी अच्छे स्तर का लाइन में नहीं दिखा हमको। इवन मैं भी लाइन में नहीं लगा। जो लाइन में कौन लगा, जो दिहाड़ी तोड़ के गया, और जो गरीब महिलाएं जिन्होंने अपना 500-500 रुपए करके जोड़ा था, आज उनको भी भ्रष्टाचारी की लाइन में जो नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं नोटबंदी की, उससे उद्योगों की बात बता रहा था मैं आपको, बेरोजगारी, मैं पिछले 4.5 वर्षों में कम से कम 2,500 युवाओं को जो है फैक्ट्रीज में जो है उद्योगों में नौकरी लगा चुका हूं। लेकिन 8 नवंबर 2016 के बाद मुझसे 100 लोग भी नहीं लगे। सभी फैक्ट्रीज वालों का क्या जवाब है कि भाई साहब हमें तो ऊपर से फरमान ये जारी हो कि हर महीने 100 से 150 जो है लोगों को कम करना है फैक्ट्री से। तो ये हालत जो है फैक्ट्री वाले उद्योगों, जो फैक्ट्री 3 शिफ्टों में चलती थी वो आज 1 शिफ्ट में आ गई। तो इस तरह से बेरोजगारी जो सबसे ज़्यादा बढ़ी है केंद्र सरकार, आज युवा जो है हताश है। जो व्यक्ति ये बोल रहा था कि 1 वर्ष में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, आज वो कहाँ है, युवा बेरोजगार है, क्वालिफाइड युवा हमारे, और जो टेक्निकली साउंड है हमारे युवा, हिमाचल प्रदेश के युवा बहुत पढ़े लिखा है, और हमारे गांव-गांव का जो युवा है आज जो है बड़े बड़े शहरों में जो है अपने रोजगार के लिए भटक रहा है। इसके अलावा जीएसटी जो लगी है पूरा व्यापारी वर्ग को तो केवल क्लैरिकल काम बढ़ा है, उनका तो केवल क्लैरिकल वर्क बढ़ा है ना, पैसा तो मेरे और आपकी जेब से जा रहा है। आम आदमी हताश है महंगाई से, और जो डेली नीड की वस्तु है उस पर जीएसटी, उसको जीएसटी से, हमारा ये मानना है उन जो छोटे आदमी की हर रोज की ज़रूरत की वस्तु है उनको जो है जीएसटी के दायरे से बाहर रखना चाहिए था। ठीक है जीएसटी तो मनमोहन सिंह जी का भी एक सपना था, लेकिन मनमोहन सिंह जी की पद्धति पे वो चल नहीं सकते क्योंकि मनमोहन सिंह जी पूरे विश्व के माने हुए अर्थशास्त्री है, और जिस व्यक्ति को इकोनॉमिक्स के स्पेलिंग भी नहीं मालूम उसको इकोनॉमिक्स का क्या पता है। अजय जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच जी दिनेश जी। ये थे अजय सोलंकी नाहन विधानसभा क्षेत्र। इसी तरह से हिमाचल की बात आपके सामने उम्मीदवारों के साथ और हिमाचल की जनता के साथ साथ उनसे बातचीत करके आपके सामने लाते रहेंगे, ताकि 9 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहा है उसमें आपके सामने जो
इश्यूज़ हैं, मुद्दे हैं, वो आपके सामने क्लियर हो, साफ हो, ताकि वोट देने में और अपनी राय बनाने में आपको आसानी हो। कैमरामैन जयवीर के साथ दिनेश शर्मा, जी मीडिया, नाहन।